जनपद पंचायत पथरिया के तत्वावधान में होगा ब्लॉक स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। जनपद कप 2017 का आयोजन होगा माधवराव सप्रे महाविद्यालय पथरिया में। विजेता को मिलेगा 11,111 एवं शील्ड का इनाम। उप विजेता को मिलेगा 7,777 एवं शील्ड का इनाम। सहयोगी गौरव भैया मित्र मंडल एवं छात्र क्रांति दल पथरिया। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। किशनगर में 40 लाख से बनेगा मधुकर जनजाति छात्रावास। दमोह सांसद की ओर से 20 लाख देने घोषणा की गई। नोटा महोत्सव के लिए प्रचार रथ हुआ रवाना। विधायक प्रताप सिंह एवं आदित्य सालोमन रहे मौजूद। महाछात्र संगठन ने पीजी कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। डीएड विषय को लेकर घंटाघर पर सोमवार को करेंगे पुतला दहन। कलेक्टर ने रविवार को ली विशेष समीक्षा बैठक। आधार पंजीयन को लेकर कियोस्क स्कूल संचालक रहे मौजूद। और भगवान पंचकल्याणक महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर। बक्सवाहा में धर्मसभा को आचार्य विभव सागर ने संबोधित किया। और अब समाचार विस्तार से। केशवनगर परिसर में रविवार को श्री मधुकर जनजाति छात्रावास का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गरिमामय आयोजन के दौरान दमोह सांसद प्रहलाद पटेल, सरस्वती शिक्षा परिषद के महाकौशल प्रांत अध्यक्ष राजन गुप्त, नगरपालिका अध्यक्ष मालती साटी, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, समाजसेवी हेमंत मलिया की मौजूदगी में पहले भूमि पूजन किया गया। इसके बाद मंची कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं अतिथियों ने आयोजन के बारे में अपनी बात कही। प्रजननम वेयस्तु दश वीरघ्वं सर्वगणघ्वं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यवेशनि अग्निः प्रजां बहुनामे करोत्पन्नं पयोरेतेष्वस्मासु दत्तम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति। अतिशय जनों का एक दो तीन बस जितना भी हो सकता है वह विद्या भारती करती है। और इसी कड़ी में हम और हमारे बंधु जिनका मैंने नाम लिया है, ये लोग जब बैठते थे तो एक चिंतन करते थे कि वास्तव में दमोह में एक छात्रावास इस प्रकार का जनजाति का होना चाहिए। ये हमारे जो मंच पर विराजमान हमारे शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र गुप्त जी विराजमान हैं, और इस समय वर्तमान में जो हमारे परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर नाथुराम जी राठौर, इन लोगों की बहुत पहली योजना बनी थी कि इस प्रकार के छात्रावास हमारे प्रदेश में होना चाहिए। बिल्डिंग के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय। मैं स्वयं सेवक के नाते इस गंभीरता को न सिर्फ स्वीकार करता हूँ बल्कि उसके कुछ काम आ सके इस बात का संकल्प भी जीवन में लेकर जीवन में चलता हूँ। लेकिन जब मैं अभी मणिपुर का प्रभारी बना तब लगता है कि हमारे चिंता विचार हमारे अगुआ कितना दूर तक देखते थे। मुझे सावरकर जी की वो भविष्यवाणी याद आती है, उन्होंने कहा था कि 90 के दशक में तो देश आजादी हुआ पूर्वांचल हमसे कट जाएगा। कट जाने का मतलब भूखंड नहीं कट जाएगा, लेकिन जो कटा जो वहाँ दिखता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
बीते साल की तरह ही इस साल भी कल्चुरी कालीन प्राचीन शिव मंदिर यानी मणा मंदिर के परिसर के पास ही नौहटा महोत्सव 2017 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं नौहटा महोत्सव के लिए लोगों को आमंत्रित करने हेतु जबेरा विधायक प्रताप सिंह, युवा नेता आदित्य सालोमन, SDM CP पटेल, डॉक्टर अभिषेक गोयल, प्रेमचंद जैन, निखिल सैनी, प्रमोद यादव, आरके खरे की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। वहीं आयोजन के बारे में विधायक एवं आदित्य सालोमन ने अपनी बात कही। उसमें हमारे प्रदेश और देश के ख्याति प्राप्त कलाकार भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये जो 7-8 साल जो बंद रहा यहाँ का, उसमें उस टाइम पर ऐसा लगा कि जैसे बंद नहीं हुआ था, पुनः एकदम तत्काल शुरू हो गया हो। बहुत अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट हुआ, लोगों ने यहाँ की भागीदारी दी, और उसका उद्देश्य ही था, जब पूर्व मंत्री स्वर्गीय रत्नेश सालोमन जी ने यह आयोजन शुरू किया था, उनका उद्देश्य था कि यहाँ के बच्चों के लिए जो कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में पारंगत हैं, उनके लिए एक प्लेटफार्म मिला। नौहटा महोत्सव जो इस बार हम लोग ने आयोजन किया है, इसका 10, 11, 12 फरवरी का, इसमें आप सभी लोगों से हम चाह रहे हैं कि ये हम लोगों ने इस बार फिर से जैसा वादा किया था पिछले साल, हम लोग पुनः वापस आए हैं, और हम लोग और बड़े स्तर से इस कार्यक्रम को करने के लिए, हमारा कार्यक्रम आप लोग द्वारा ही इसको बड़ा किया जाएगा, बाहर की देश प्रदेश जिले स्तरीय और हमारे क्षेत्रीय टीमें भी इसमें बहुत दिल से इसमें कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। महाछात्र संगठन की ओर से एक बैठक का आयोजन स्थानीय नेहरू पार्क परिसर में किया गया, जहां पर संगठन के सदस्यों ने छात्रों को दी जा रही शिक्षा में बढ़ती जा रही लापरवाही के साथ ही डीएड को लेकर अपना रोष जताते हुए चर्चा की। इस दौरान पीजी कॉलेज प्राचार्य की ओर से छात्रों को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते रोष जताते हुए सोमवार को दोपहर 1 बजे पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। बीएड जैसे एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जिसे 2 वर्षों में खत्म हो जाना चाहिए था, कोर्स डिग्री पूरी हो जानी चाहिए थी, उस कोर्स का केवल आज दिनांक तक 2 वर्ष होने के बाद भी केवल पहला ही सेमेस्टर आयोजित कराया जाए। इस विषय में आज तक पीजी कॉलेज प्राचार्य महोदय जो कि जिले के नोडल प्राचार्य हैं, नोडल प्रभारी हैं, उनकी कोई भी जवाबदेहिता इस विषय में देखने को नहीं आ रही। परेशान होकर के छात्र महासंघ के द्वारा ये कदम उठाया गया है। संवैधानिक रूप से कल अनुशासनात्मक रूप से नगर के हृदय स्थल घंटाघर पर दोपहर 1 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य आदरणीय महोदय जी, प्राचार्य महोदय जी की ओर केवल इस विषय को रखना है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हों और छात्र हित में अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करें। दमोह कलेक्टर शिवाज शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को अवकाश के दिन भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जहां पर विविध विभागों के अधिकारियों से कलेक्टर ने शासन की मंशा के अनुसार कार्य किए जाने की समीक्षा की। इस दौरान आधार कार्ड को लिंक कराने, कियोस्क संचालकों की भूमिका तथा निजी स्कूल संचालकों को अनेक विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए। नहीं तो अब ये कैसे पता चलेगी यदि ये रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि इसका कार्ड जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर कैसे होगा? सर अभी मैंने इसमें एक प्रैक्टिकल करवाया था, सीमा मैडम बताइए आपको, मैंने एक बार आईडी और पासवर्ड से, मतलब जो इनके पास पंजीयन के 14 नंबर से अंक थे वो लिख के दिए थे और उनको वो वेबसाइट में ओपन कराया था, बताइए आपके मैं कितने परसेंट केसेस में वो आधार नंबर लिख के आ रहा था, मतलब सर आधार नंबर तो जनरेट हो रहा है सर, मतलब जो एडवांस सर्च की आईडी पासवर्ड है उनसे इनका प्रैक्टिकल करवा के जो इनके पास 14 ये तीनों ने एक बार रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन के बाद उसका जनरेशन का पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या कैसे इसको ट्रैक आउट किया जाए? परम पूज्य आचार्य व्यवसागर जी महाराज के सानिध्य में दमोह संसदीय क्षेत्र के भगवा में पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पूज्य आचार्य श्री का मंगल सत्संग बक्सवाहा के लोगों को प्राप्त हुआ। इस दौरान आचार्य श्री ने भक्तों को जिनमार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिया। वहीं आचार्य श्री का दोपहर में हीरापुर की ओर विहार हो गया। Yeah.
बिजली कंपनी को ठेकेदारों द्वारा लगाए गए चूने के बाद अब इस मौसम में लगातार ही बिजली के पोल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सिविल वार्ड नंबर 4 का है, जहां पर सुबह एक बिजली पोल पर लगे बक्से में अचानक लोड के चलते आग लग गई, जिससे यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देहात थाना अंतर्गत आनु मार्ग पर एक स्थान पर एक घंटे के अंतराल से दो हादसों के बाद आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों के घायल हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रात करीब 3 बजे मेहर से सागर जा रहे कार सवार लोग पेड़ से टकरा गए, जिनको पहले इलाज के लिए दमोह लाया गया, जहां से 4 लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं एक घंटे बाद 4 बजे रीवा से भोपाल जा रहे युवाओं की कार भी इसी स्थान पर पेड़ से टकरा गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह लोग शराब पिए हुए थे। वहीं सूत्रों के अनुसार इनकी कार में एक पेटी शराब भी मौजूद थी, जो ग्रामीणों ने लूट कर गायब कर दी। वहीं घायलों का इलाज किया जा रहा है। तेंदुकड़ा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम हेनौती सर्रा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में आयोजित किए गए वार्षिक उत्सव के दौरान सांसद प्रहलाद पटेल, विधायक प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह व्यास, विनोद गोटिया, सरपंच जवान सिंह की मौजूदगी में देर तक कार्यक्रम किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। इस तरह के स्टेट बैंक एटीएम में अब कुत्तों का डेरा नजर आ रहा है। गेट के सही तरीके से बंद नहीं होने तथा कांच के टूटे होने के कारण यहां पर आवारा कुत्ते बैठ जाते हैं, जिससे एटीएम से पैसा निकालने में भुगतानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी यहां के मेंटेनेंस का काम करने वाली कंपनी का इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना आश्चर्य से परे नजर आ रहा है। जाने मानी साहित्यकार बबीता चौबे को उनकी कृति गौरैया तेरे रंग हजार के लिए भोपाल में सम्मानित किया गया। हिंदी लेखिका संघ की ओर से श्रीमती चौबे को अंजना मगरे सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद साहित्य जगत में हर्ष का माहौल है। साथ ही सभी सुधी साहित्यकारों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। तूफान टीवी की ओर से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम हरदुआ सुमेर तथा जोगन कुंड में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जबीरा विधायक प्रताप सिंह ने पहुंचकर कथा के आयोजन में हिस्सा लिया, साथ ही कथा का श्रवण भी किया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए लोगों की मौजूदगी रही। हमारे जबीरा के समस्त प्रतिष्ठित लोग यहां दूर दराज से आए हुए समस्त नागरिकगण, माता बहने, इस क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। मैं ज्यादा यहाँ नहीं बोलूंगा, और मैं जब बाबा जी कहाँ बैठा था तो दीदी इतने अच्छे बचनों से आप लोग राम कथा का श्रवण कर। ग्राम बिस्नाखेड़े में भी श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जैन के साथ अन्य लोगों ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों का समूह आनंद कथा का आनंद लेता नजर आया। वह नहीं कर पाए जो हमारी रामायण ने हमें बताया, हम वह नहीं कर पाए जो हमारी श्रीमद भागवत कथा ने हमें बताया, तो हमारा यहाँ आना, यहाँ रुकना और यहाँ से फिर चला जाना तीनों व्यर्थ में चले जाएंगे। इसलिए मैं समस्त श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ से देवी जी के द्वारा जो धर्म का मार्ग बताया जा रहा है। ग्राम झापन में इलक नम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में वेदी प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम विधिवत आयोजित किया गया, जहां पर भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जैन के साथ अन्य अतिथियों ने पहुंचकर आयोजन में हिस्सा लिया। हटा से रविवार की सुबह कुंडलपुर पैदल जाने वालों का जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में महिला पुरुषों के साथ बच्चे भी मौजूद रहे, जो केशरिया ध्वज लेकर चल रहे थे। इस दौरान सभी ने बड़े बाबा का दर्शन करने तथा अपनी आस्था प्रकट करने का भाव साफ नजर आया।
जमीरा में आयोजित हो रही टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। रोहिणी प्रसाद दुबे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री दशरथ सिंह लोधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद विनोद गोटिया, वरिष्ठ पत्रकार सुनील गौतम के साथ अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद सभी ने संबोधन के माध्यम से अपनी बात कही। परम पूजनीय स्वर्गीय रोहिणी प्रसाद जी दुबे जी की स्मृति में यह दिनस्थी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है, जो तरुण को तरुण होने का मतलब समझाने का काम करे। जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं तो एक स्पिरिट हमारे अंदर होती है, खेल की भावना हमारे अंदर होती है और खेल की भावना हमारे जीवन को सिखाने का काम करती है। अगले बजट में फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गणधर तीर्थ क्षेत्र मेला जी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल चौबीसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री एक्सवार सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री एक्सवार सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।